नमस्कार दोस्तों, तो आज हम लोग आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि क्या एलडी ग्रेड शिक्षक भर्ती 2018 परीक्षा क्या फिर से टल सकती है। जी हाँ, तो हम लोग इसी बात करने वाले हैं कि एलडी ग्रेड शिक्षक भर्ती 2018 की परीक्षा क्या इस बार फिर से टल जाएगी। तो अभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें, ठीक है। तो आइए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं एलडी ग्रेड 2018 के बारे में। लाल बटन को दबाएं और सब्सक्राइब करें हमारे इस यूट्यूब चैनल को और इस बगल वाली घंटी को बजा दीजिए और हमारे चैनल से आप जुड़े रहिए। और जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आयोग द्वारा काफ़ी दिनों से परीक्षाएं टाली जा रही है और उसका जो कैलेंडर आया था वह भी अपने हिसाब से फिट नहीं बैठा और उसको भी रद्द कर दिया गया और दूसरा कैलेंडर आयोग जारी करने के लिए बोला है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, पर अभी तक वैसा कुछ नहीं हो पाया है। जहाँ तक इसमें कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश जो PCS मुख्य परीक्षा थी वह अब 18 तारीख से चालू कर दिया है, जिससे कि और ये 24 जून को एलडी ग्रेड टीचर का एग्ज़ाम है। तो इसमें दोनों सस्पेंस हैं क्योंकि दोनों के अभ्यर्थी कामन हो सकते हैं, इसलिए आयोग ने अभी तो ऑफिशियली नहीं, लेकिन हो सकता है कि यह परीक्षा टल जाए। हो सकता है क्या? मुझे तो लगता है 95% से अधिक आशा है कि परीक्षा टलेगी, क्योंकि अभी आज फिर न्यूज़ में दिया गया है। क्या न्यूज़ में है उसको भी हम लोग देख लेंगे, ठीक है। लेकिन जहां तक मेरा अनुमान है यह परीक्षा फिर से टलेगी। तो इसमें बोला गया जैसे एलडी ग्रेड शिक्षक भर्ती 2018 की परीक्षा एक बार फिर टलना लगभग तय है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इसकी लिखित परीक्षा 24 जून को निर्धारित की है, जबकि PCS 2017 की मुख्य परीक्षा भी 18 जून से तय हो गई है। 3,000 से 4,000 अभ्यर्थियों के इन दोनों की परीक्षाओं में आवेदन का अनुमान होने से आयोग के सामने बड़ी दुविधा है। एलडी ग्रेड शिक्षकों के 10,768 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आयोग ने ऑनलाइन आवेदन लिए हैं। करीब 7.5 लाख अभ्यर्थियों ने इसमें आवेदन किए हैं, जिनमें बड़ी संख्या में उन अभ्यर्थियों के भी आवेदन हुए हैं जिन्होंने PCS परीक्षाओं में आयोग की लेट लपीठी से उबकर शिक्षक भर्ती में ही मौका तलाशने का विकल्प चुना। इसमें कोर्ट के निर्देश पर कई याचिकाओं भी शामिल किया जाना है। आयोग ने सबसे पहले एलडी ग्रेड शिक्षक भर्ती 2018 की परीक्षा 6 मई को निर्धारित की, लेकिन हाईकोर्ट ने याचिका को भी शामिल करने के आदेश पर आयोग ने 6 मई की तारीख में बदलाव कर इसे 24 जून कर दिया। वही PCS मुख्य परीक्षा के बुधवार को जारी कार्यक्रम में 24 जून को राजनीति विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय संबंध लोक प्रशासन विषय के 2 सत्रों में लिखित परीक्षा निर्धारित हुई है, इसलिए एक ही दिन 2 महत्वपूर्ण परीक्षाओं में से एक की तारीख बदलना मजबूरी है। आयोग मुख्य परीक्षा में छेड़छाड़ सामान्य स्थिति में नहीं करेगा। एलटी ग्रेड की परीक्षा तारीख आगे बढ़ाना लगभग तय है। PCS परीक्षा इलाहाबाद और लखनऊ के कई अहम केंद्रों पर होनी है और इसमें 3,000 से 4,000 अभ्यर्थियों के दोनों ही परीक्षाओं में शामिल होने का अनुमान है। आयोग के सचिव जगदीश ने भी संकेत दिए हैं कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 2018 की लिखित परीक्षा पर निर्णय लिया जा सकता है। तो जैसा मैंने आपको बताया, ठीक है, तो अब यह हो सकता है कि अब परीक्षा 100% टल ही जाएगी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की, ठीक है। तो जैसा न्यूज आता है मैं आपको अपडेट करूंगा। अभी के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद आपका।